आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। दोस्तों 2003 में एक सीरियल शरारत थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत काफी हिट रहा। इस सीरियल की हिट लेडी थी फरीदा जलाल, जो कि जादू करती थी और इसी जादू का जादू चल गया। इसी सीरियल की कास्ट एक बार फिर रीयूनियन हुई और इस मौके पर ऐसा लगा कि शरारत 2 भी जल्दी देखने को दर्शकों को मिल सकता है। इस मौके पर फरीदा जलाल, श्रुति सेठ, अदिति मलिक, ईवा ग्रोवर और करणवीर वोरा दिखाई दिए। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। विनय का कहने का मतलब है कि हमें और मिलना चाहिए, हमारे जो रोज जो रोज मिल रहे जो हम रोज मिल रहे हैं उनके लिए काफी नहीं है। बिल्कुल, तो फिर एक साथ रहना शुरू कर लेना। हां वैसे भी तो एक साथ काम करेंगे एक शो में जिसका नाम है शरारत 2। नाम चेंज हो गया, इट्स टू। ये कुछ आपने रिवील किया? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बता रहे। हम बहुत जब भी हम मिलते हैं कुछ रिवील करते हैं। बहुत जल्द कुछ होने दो, कुछ रिवील होगा, कुछ होने वाला है। क्या शरारा 2 हमें वापस देखने को मिलेगा? कुछ तो होगा, कुछ रिवील होगा। नानी जस्ट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट, ये मेरी टांग खींचते रहते हैं। नानी सबसे यंगेस्ट नानी ये है। ये 4 साल के थे जब हमने शरारत शुरू किया था। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपके हर किरदार को इतना ज्यादा प्यार मिलता है, बट जो शरारत का आपका किरदार था वो अभी भी सबके जहन में है, तो आप लोग जब साथ में मिलते हो तो कितनी बातचीत होती है, कितनी मस्ती होती है उस शो को लेकर? कहाँ से शुरू करूँ, इतनी मस्ती होती है। वैसे भी हम अलाउ नहीं करेंगे, काश आप लोगों के माइक अंदर होते और कैमरा अंदर होते, इतनी मस्ती के बीच में इसीलिए तो मिलते हैं हम, फिर से जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी असलियत पता चल जाती है, तो आप लोग कभी हमें प्यार नहीं करते। अभी करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ बताएं, आप लोगों का भी एक सीरीज काफी चल रही है। अच्छा चल रहा है, मजे चल रहे हैं, मजे कैपिटल लेटर, थोड़ी मस्ती और थोड़ी शरारत चल रही है। तो जाते जाते दर्शकों से कुछ ये बता दीजिए कब हम आप लोगों को साथ में देखने वाले? बहुत जल्द, अगली आवाज में मिलेंगे तब देख लीजिए, दिवाली के पहले दिवाली के पहले आपके साथ डेट फिक्स हो गया। भूत भविष्य वर्तमान बदले, क्या बात है, दिवाली के पहले बदलिंग। ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।